नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का मंडी बाजार भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम सोयाबीन तेजी और मंदी दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोयाबीन के दामों में गिरावट देखी जा रही है। सोयाबीन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 4500 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हमें देखने को मिल रही है। सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव की इस ग्राफ से हर व्यक्ति और किसानों को चिंता होने लगी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भाव कब बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे और आदि तथ्यों पर बात करेंगे। वर्तमान भाव की बात करें तो 4500 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में देखने को मिल रहा है। मंडियों में धनिया सरसों की आवक बढ़ने से सोयाबीन की आवक बहुत कम देखने को मिल रही है। सोया प्लांटों में भी कोई खास तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोयाबीन के भाव में कोई खास उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले महीने मार्च अप्रैल तक प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपये तक हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल गिरावट की कोई संभावना नहीं है, ज़्यादा तेज़ी की कोई संभावना नहीं बन रही है किसान साथियों। यानी कि मार्च और अप्रैल तक हमें यानी कि 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। यह थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।